नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम करेंगे क्लास फोर चैप्टर सेवन फ्रॉम द विंडो के क्वेश्चन आंसर्स और उसके वर्कबुक सॉल्यूशंस तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन व्हाट वाज़ द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना सो फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे जो ओमाना ने ट्रेन से देखा था वो फर्स्ट डे में और सेकेंड डे में क्या डिफरेंस था मतलब क्या चीज़ अलग थी तो इसका आंसर होगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जर्नी ओमाना सो द फील्ड्स व ड्राई एंड ब्राउन बट ऑन द सेकेंड डे ऑफ हर जर्नी शी सो फील्ड्स विद रेड सॉयल एंड हिल्स कवर्ड विद ट्रीज फर्स्ट डे ओमाना ने देखा था कि बाहर जो खेत हैं वो सूखे हुए हैं और भूरे कलर की धरती दिखाई दे रही थी लेकिन दूसरे दिन उसने देखा कि जो धरती थी वो लाल मिट्टी की थी और जो पहाड़ियाँ थीं वो ट्रीज से कवर हो रखी थी मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ थे और पहाड़ियाँ पूरे पेड़ से कवर हो रखी थी क्वेश्चन नंबर टू ओमाना सो मैनी काइंड ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग विच ऑफ दैम रन ऑन डीजल और पेट्रोल ओमाना ने रेलवे फाटक पर बहुत सारे व्हीकल्स देखे थे तो उनमें से कौन कौन से डीजल से चल रहे थे और कौन कौन से पेट्रोल से तो इसका आंसर होगा बसेस ट्रक्स एंड अ फ्यू कार्स रन ऑन डीजल वाइल्ड स्कूटर्स कार्स मोटरसाइकिल्स एटसेट्रा रन ऑन पेट्रोल बस ट्रक और कुछ गाड़ियां ऐसी थी कार जो डीजल से चल रही थी जबकि स्कूटर और कुछ कार और मोटरसाइकिल्स पेट्रोल से चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग जो फाटक था वहां पर बहुत सारा धुआं और शोर क्यों हो रहा था तो इसका आंसर होगा बिकॉज सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग क्योंकि कुछ लोगों ने अपने इंजन्स जो व्हीकल्स के इंजन्स थे वो बंद नहीं किए थे जबकि वो रेलवे क्रॉसिंग पर वेट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन आपको बताना है कि ये जो कौन कौन से स्टेट में ये लैंग्वेज बोली जाती हैं नंबर वन है मलयालम अब ये मलयालम जो है लैंग्वेज ये कहाँ पर बोली जाती है केरला में कोंकणी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है गोवा में मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र में गुजराती लैंग्वेज गुजरात में और कन्नडा लैंग्वेज कर्नाटका में बोली जाती है क्वेश्चन नंबर फाइव वाई डिड ओमाना एक्सचेंज एड्रेसेस विद सुनील्स फैमिली ओमाना ने सुनील की फैमिली के साथ एड्रेस क्यों एक्सचेंज किए थे तो इसका आंसर होगा उमाना एक्सचेंज एड्रेस विद सुनील फैमिली सो दैट दे कैन प्लान एंड मीट इन अहमदाबाद उमाना ने उसकी फैमिली के साथ एड्रेस इसलिए एक्सचेंज किया था ताकि वो प्लान कर सकें और अहमदाबाद में मिल सकें क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई डिड द ट्रेन व्हील्स मेक अ रेटलिंग साउंड वेन इट वॉज क्रॉसिंग द रिवर जब ट्रेन के जो पहिए थे वो रिवर को क्रॉस कर रहे थे तो रेटलिंग साउंड क्यों कर रहे थे तो इसका आंसर होगा बिकॉज देर वॉज नो ग्राउंड अंडर द ट्रेन ट्रैक्स ऑफ द ब्रिज जिस ब्रिज पर ट्रेन जा रही थी उस ब्रिज के नीचे कोई भी जमीन नहीं थी इसलिए ऐसी आवाज आ रही थी क्वेश्चन नंबर सेवन विच वी कल्स डेट ओमाना सोएट द लेवल क्रॉसिंग यूज नीदर डीजल नॉर पेट्रोल जो फाटक पर ओमाना ने व्हीकल्स देखे थे उनमें से कौन से व्हीकल्स ऐसे हैं जिनको ना डीजल चाहिए ना पेट्रोल चाहिए तो इसका आंसर होगा ओमाना सो साइकिल्स तांगा एंड बुलक कार्ट्स। साइकिल तांगा और बुलक कार्ट्स चलाने के लिए हमें डीजल और पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन नंबर एट राइट द नेम्स ऑफ फोर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड फाइंड आउट अबाउट द फॉलोइंग अभी आपको चार स्टेट्स चूज़ करने हैं कोई भी और उनकी लैंग्वेज वहाँ पर कौन से कपड़े पहने जाते हैं और वहाँ पर कौन सा खाना फेमस है ये बताना है ठीक है नंबर वन है गुजरात तो गुजरात की लैंग्वेज है गुजराती वहाँ पर क्लोथ जो पहनते हैं वो घाघरा वहाँ की लेडीज़ घाघरा पहनती हैं और फूड है वहाँ का फेमस ढोकला नंबर टू है महाराष्ट्र महाराष्ट्र की लैंग्वेज है मराठी लेडीज़ वहाँ पर साड़ी पहनती हैं और वहाँ का फेवरेट फूड है वड़ा पाव नंबर थ्री है गोवा वहाँ की लैंग्वेज है कोकनी कपड़े वहाँ के हैं लुंगी और साड़ी और फूड है वहाँ का फिश फ्राई नंबर फोर कर्नाटका लैंग्वेज है वहाँ की कन्नड़ और क्लॉथ है धोती और साड़ी और फूड है वहाँ का फेमस इडली और डोसा क्वेश्चन नंबर नाइन राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स जो सही स्टेटमेंट हैं उनके सामने टी लगाना है टी फॉर ट्रू और जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उनके आगे एफ लगाना है एफ एफ स्टैंड फॉर फोल्स ए टू क्रॉस द रिवर कार एंड द ट्रेन यूज सेपरेट ब्रिजेस रिवर को क्रॉस करने के लिए कार और ट्रेन के लिए अलग अलग ब्रिज बनाए हुए थे तो ये ट्रू है b. Some tunnels go completely through mountains. कुछ जो टनल्स थी कुछ सुरंग जो थी वो पूरी की पूरी पहाड़ों में से होकर गुजर रही थी तो ये भी ट्रू है c. People in U.D.P. wear the same types of clothes as in Ahmedabad. U.D.P. के लोग भी अहमदाबाद जैसे ही कपड़े पहनते थे तो ये फॉल्स है क्योंकि वहाँ के कपड़े अलग थे डी There was मच स्मोक एंड noise एट द लेवल क्रॉसिंग लेवल क्रॉसिंग पर बहुत सारा धुआं और शोर था तो ये ट्रू है ई e. द fields इन गोवा आर ब्राउन एंड ड्राई जो गोवा के फील्ड्स थे वो भूरे कलर के थे और सूखे हुए थे फील्ड मतलब खेत नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि वहाँ के ग्रीन ग्रीन बहुत सारी ग्रीनरी थी गोवा में कहाँ से जा रहे थे नीचे से तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर द बार ऑफ द लेवल क्रॉसिंग बी है द साउंड ऑफ द ट्रेन मूवमेंट चेंजड वेन दे क्रॉस्ड अ डैश ऑन अ डैश ट्रेन की जो मूवमेंट थी उसकी साउंड चेंज हो गई थी जब वो क्या क्रॉस कर रहे थे रिवर रिवर यानी कि नदी जब वो नदी की नदी को क्रॉस कर रहे थे अ डैश यानी कि किस पर से तो किस पर से क्रॉस कर रही थी ट्रेन ब्रिज सी है फॉर रीचिंग कॉटयम ओमाना वुड हैव स्पेंट डैश डेज ऑन द ट्रेन कोटयम पहुंचने के लिए उमाना को कितने दिन ट्रेन में रहना पड़ा था बताइए टू डेज दो दिन रहना पड़ा था ऑन द जर्नी फ्रॉम गोवा टू केरला द ट्रेन पासिस ओवर टू थाउजेंड डैश एंड थ्रू नाइन्टी टू डैश गोवा से केरला जाने के लिए ट्रेन को टू थाउजेंड क्या पार करने पड़े थे ब्रिजेस और नाइन्टी टू टनल्स ओमाना e, climbed ऑन द डैश बर्थ टू रीड डैश ओमाना कौन से बर्थ पे चली गई थी अपर बर्थ पे यानी कि सबसे ऊपर वाले बर्थ पे क्या करने के लिए क्या पढ़ने के लिए कॉमिक्स तो ओमाना क्लाइंट ऑन द अपर बर्थ टू रीड कॉमिक्स तो चलिए ये लेसन आपका यहीं पर फिनिश हो गया है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाय बाय